हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपल प्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे कलांचू, ये मैंने करीब 20 दिन पहले मैंने लगा दिए थे और कुछ प्रून करके लगा दिए थे कटिंग उनकी। तो ये देखिए, इतने ढेर सारे 15 दिन में तैयार हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए। क्योंकि मैं ख़रीद के लेके आई थी, उसमें फूल उस समय नहीं आ रहे थे, मगर हाँ मैं ख़रीद ले आई थी। मैंने सोचा चलो कोई भी कलर होगा, तो कुछ ये लगा दी थी कटिंग्स, कुछ ये लगा दी थी। तो ये पूरा भर गया है मेरा पॉट। ये थोड़ा सा पता नहीं स्लो ग्रोथ है क्या चक्कर है, ये पहले नीचे रखे हुए थे यहाँ पे बिल्कुल ये पॉट के नीचे। और ये लोकेशन देखिए आप, इस तरह की है। ये टिकोमा की छाया यहाँ पड़ी रहती है, डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। जब मैंने कटिंग लगाई थी तो मैंने नीचे की साइड में रख दिया था, बिल्कुल नीचे की साइड में। अब मैंने ऊपर टांग दिए क्योंकि ये अच्छी ग्रोथ हो गई है, अभी थोड़ी सी धूप भी चाहिए, तो अभी यहाँ मैंने रख दिया है। कुछ ही है, और कुछ मैंने आज कटिंग लगाई थी, वीडियो बनाने का ध्यान नहीं रहा था। मैं फटाफट ऊपर आती हूँ तो ऑफ कैमरा बहुत ढेर सारे काम कर डालती हूँ। तो ये मेरा फर्टिलाइजर है सीडलिंग और कटिंग में डालने के लिए। तुलसी के पत्ते हैं इसमें और नीम के पत्ते हैं, वो सारे मिक्स करके मैंने इसमें बना रखा है ये। तो ये पेस्टिसाइड का बहुत अच्छा काम करता है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे भी रख रखा है। क्योंकि यहाँ देखिए छाया भी रहती है थोड़ी सी, ये भी मौसम अब अच्छा हो रहा है। तो आप भी अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो उनकी छोटी छोटी कटिंग करके लगा दीजिए। ये मैंने अभी लगाया है, ये लगाया है, और ये कुछ ये पत्तियाँ भी लगा दी नीचे से तोड़ के, हो जाएंगी तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे मैंने प्रोपोगेट की है पत्तियों से भी, पर अभी सीजन नहीं है तो हो सकता है ना हो। मगर अब मौसम अच्छा हो रहा है क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया, तो अगर अभी आप तैयार कर देंगे ना तो सर्दियों में नवंबर आते आते आपके यहाँ खूब ढेर सारे फूल हो जाएंगे इनके। तो अभी आप फटाफट ये काम कर लीजिए, क्योंकि अगस्त हो ही गया है, हाफ अगस्त हो गया है, हाफ से भी ज़्यादा हो गया है अगस्त। तो अब आप ये काम कर ही डालिएगा फटाफट। तो ये मैंने कुछ कटिंग लगा दी, ये पूरा काफ़ी बड़ा प्लांट था, इतना बड़ा बुशी प्लांट था, मतलब ये सारी इसी की कटिंग निकली हुई है। तो मैं 3-4 प्लांट लेके आई थी, एक ये लेके आई थी, ये थोड़ा छोटा था क्योंकि वहाँ पे भी नर्सरी में भी ढेर सारे रखे होते हैं तो उनकी केयर जल्दी नहीं हो पाती है, सब में एक साथ पानी डाल देते, तो इसकी ग्रोथ कम थी, इसकी ग्रोथ ज़्यादा थी। तो फिलहाल मैं ये ले आई, इसकी मैंने ये 4 कटिंग ये तैयार की हैं, और एक ये मेन प्लांट है, मदर प्लांट। तो ये कुछ प्लांट मैंने ऐसे तैयार कर लिए, कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। आप भी एक साथ मत कीजिए कि कोई भी काम एक साथ करने लगे, थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा। कुछ ये काम कर लीजिए, कुछ इसकी कटिंग लगा लीजिए, मैंने ये कटिंग लगाई थी तैयार की थी, और कुछ इसकी कटिंग तैयार की है, ये मुझे किसी को देना है तो मैंने इसलिए ये इसमें लगा दिया है। तो इसमें भी देखिए कई एक पत्तियाँ आ गई हैं, फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की तैयारी कीजिएगा धीरे धीरे करके, और कटिंग को पहले आप ऐसी जगह रखिए जहाँ छाया रहे और हवा का आवागमन रहे, हवा आती रहे, क्योंकि हवा बहुत ज़रूरी होती है कटिंग्स के लिए। बिल्कुल बंद में रख देंगे, अंधेरे में रख देंगे तो भी ये नहीं चल पाएंगे। आप इसे हल्की सी, अब देखिए हल्की सी छाया धूप आ रही है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे यहाँ से हल्की सी धूप धूप छन छन के आ रही है मॉर्निंग में, अभी करीब 8:30 हो गए होंगे। तो इस तरह से आप कटिंग लगा लगा के रखिएगा और ढेरों प्लांट तैयार कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं इसे फिल और अंदर रख देती हूँ। वैसे आज मौसम अच्छा है, बारिश भी बताइए, तो आप बारिश का पानी थोड़ा तो लग जाए तो ठीक है, मगर कंटिन्यू बारिश का पानी पड़ेगा तो ये ख़राब भी हो जाएंगे, क्योंकि सकलेंट फैमिली से ही होते हैं। उनके पत्तियाँ देखेंगे थोड़ी सी मोटी मोटी होती हैं, तो इसलिए बारिश के पानी से बचाइएगा। और मिट्टी मैंने देखिए कैसी बनाई है, इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद है, कोकोपीट है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में कोकोपीट मैंने मिलाई है, मिलाई क्या पहले ही थी जब मैंने लेके आई थी, तो इसमें कोकोपीट में ही लगा रखे थे, ये छोटे छोटे से पॉट में लगे हुए थे, इसमें लगा हुआ था ये, इस तरह के पॉट में लगे हुए थे कलांचू। तो उनमें कोकोपीट उन्होंने नर्सरी वालों ने लगा रखी थी जिससे कि उन्हें बार बार पानी ना देना पड़े गर्मियों में, तो वही कोकोपीट भी थी और मैंने नहीं डाली थी, इसी की मिट्टी मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। और इसमें थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं ये रेड, ये देखिए ये रेड है, ईंट का चूरा मिलाया है मैंने, ये मेरी खुद की मिट्टी तैयार की हुई है। तो ईंट का चूरा, गोबर की खाद, ये देखिए जो थोड़े से बड़े पीसेस है, ये देखिए ये गोबर की खाद और गार्डन सोयल बहुत कम मिलाई है, ईंट का चूरा ज़्यादा मिलाई है और रेत मिलाई हुई है, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा बारिश होती है और बाई चांस मैं रखना भूल जाती हूँ उठा के इसे, तो ये ज़्यादा इसमें पानी ना पड़ पाए, रुक ना पाए और सारा ड्रेन आउट हो जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। मैंने देखिए ऊपर ही रखा है,
मैं नीचे ले जाती हूँ तो वहाँ पे हवा इतनी नहीं लगती है, उमस जैसी होने लगती है नीचे वाली बालकनी में, तो इसलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ अपनी कटिंग को। बट जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है या बहुत तेज़ धूप निकलने लगती है तो मैं फ़ौरन आके इन्हें हटा देती हूँ, अपने नीचे ले जाती हूँ ऐसी जगह जहाँ रखती हूँ ठंडी हवा भी मिले और थोड़ा सा ऊपर से तो कमी धूप लगेगी फिर, या फिर बारिश बहुत तेज हो तो मैं उठा के ले जाती हूँ। मेहनत तो लगती है पर हाँ ये कटिंग से तैयार हो जाते हैं आपके। फ्री में कोई भी काम करो तो परेशानी तो होती है, मेहनत तो लगती ही है। और ध्यान रखिएगा अपने प्लांट्स का, बारिश से बचाइएगा और तेज़ धूप से बचाइएगा। तेज़ धूप से भी ये जल जाएंगे और ज़्यादा बारिश से भी, बारिश के पानी से भी ये मर जाएंगे। और थोड़ा बहुत पानी लग जाए तो वो अच्छा रहता है, फिर नाइट्रोजन मिलता है और ये अच्छे से चल जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं उसमें नाइट्रोजन मिलने से। पर थोड़ा बहुत पानी मिले तो और इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालना है मैंने आपको बता ही दिया। ये कटिंग्स में और इसमें पानी डालने के लिए होता है, मैं ये एक कप ये लेती हूँ और 4-5 कप पानी मिला के और इसमें डाल देती हूँ। तो ये मेरा सिस्टम है, मतलब 5 गुना पानी मिलाती हूँ इसमें, फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो स्प्रे भी कर देती हूँ और पानी डाल भी देती हूँ इसका मिक्स करके, जैसे मिट्टी सूखती है तो मैं बस वही पानी डालती हूँ और नहीं पानी डालती हूँ, अदरवाइज पानी और कोई नहीं डालती। ये देखिए एक ये पहले कटिंग लगाई है, इसी टाइप के पॉट में आया था, एक इसमें था एक इसमें था। तो ये 3-4 प्लांट लेके आई हूँ और भी है कुछ, तो मैंने ये कटिंग लगा के रख दी है। शायद रेड है, येलो है और पिंक है, अब पता नहीं कौन सा कलर है क्योंकि कलर खिले नहीं थे। तो अब लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कीजिए, है ना, इनकी पत्तियों पे भी, पत्तियों पे डालते तो भी असर होता है और एफिड वगैरह भी नहीं लगते हैं, मिलीबग भी नहीं लगते हैं। तो ये वाला फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है, तुलसी और नीम का। एक मैंने लहसुन का भी बना के रखा है तो वो मैं डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ज़रा भी मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जरा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नई जानकारी के साथ नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।